लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर हम ढूंढते तो हैं, बट उनका जवाब हमें एक टाइम आने पे मिलता है। उस टाइम का वेट करने तक हमारे मन में इतने सारे सवाल आ जाते हैं ना कि ये होगा कि नहीं होगा या क्या हो सकता है। पता, पेशेंस लेवल रखो, राइट टाइम का वेट करो, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि शक्लों ज़्यादा हमारा व्यू ज़्यादा सुंदर है। एंड हमारा नाश्ता स्टार्ट हो चुका है, वी आर ईटिंग एग एंड देन वी कॉल आवरसेल्फ वेजिटेरियंस। एंड यू नो हम हमारा नाश्ता चल रहा है जस्ट 2 o'clock, टू o'clock में। दिस इज अ वेरी टेस्टी ऑमलेट यार। आपको भी ऐसा होता है कि जैसे बड़ा ऑमलेट खा ले, खाना जैसे इतना पसंद नहीं होता, लेकिन उसमें स्मेल सी आती है अंडों में, फिर आपको बिल्कुल मन नहीं करता। This is so tasty, इसमें स्मेल नहीं आ रही अंडों की, इसमें मैं खा रहा हूँ। एक्चुअली खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी है। इधर दिखा दिया ना हमने, हमारे लोग गालियां देंगे क्योंकि रात का वो बारिश आ गई। Did you see? Yeah, it's raining. My God. और वो भी बहुत तेज। और कैसे जाएगा बाहर? Let's see. So हम पहुंचने वाले हैं आज की पहली लोकेशन पे, जो कि हमारे होटल से अराउंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। बाकी डिपेंड करता है यहाँ के जाम वगैरह पे कि यहाँ पे मतलब, क्योंकि ना हम जहाँ रुके ना वो हमारी माल रोड की बिल्कुल एंट्रेंस पर है, बट मतलब हमारी होटल की लोकेशन बहुत सही है एक्चुअली। और यहाँ कभी जाम होता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, अभी नहीं, खाली रोड ही पड़ी है यहाँ तो खाली, बट वहाँ पे डोंट रिमेम्बर। केन्या जा रहे हैं, केन्या जा रहे हैं हम, दूसरे देश में जा रहे हैं आधे घंटे में ऐसे। That's where they're going to see this waterfall, you know, that is where the situation is. It's a Kempty waterfall, it's not Kenya waterfall. Oh my god. Exactly. My god, हम इतना घूम चुके हैं ना, हमें तब भी वादियाँ सुंदर लगती हैं। एक जगह से दिल नहीं भरता, that are mountains actually. मेरा सच में दिल नहीं भरता mountains. As you can see guys, this is mesmerizing, meaning This is one of the most beautiful scenery. खूबसूरत है ये यार। कितना 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 प्यारा। वही तो मैं कह रहा हूँ। Oh my God, this looks so amazing, exactly. guys. I mean, I really feel, yeah, I feel like I'm in heaven right now. Wow. And यहाँ पे मतलब मुझे मंसूरी में एक चीज पता अच्छी लगी, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन है पर इन्होंने मेंटेनेंस रखी हुई है अपने रोड्स की, अपनी जगहों की। देखो इधर गाइस, कुत्ते ने टट्टी करी हुई है, नेचुरल थिंग। तो गाइस हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल के रास्ते पे। आप यकीन नहीं मानोगे, जो पार्किंग टिकट जो थी ना गाड़ी की 200 थी, और एंट्री फॉर कैंपटी फॉल इज अगेन 40 रुपया। दिस सो मच गवर्नमेंट ने लूट मचा रखी है, यहाँ के लोगों ने लूट मचा रखी है। 200 रुपये पार्किंग, हम खुद 100 रुपये पे करके आए हैं। वेल दिस इज वेयर मतलब आप नीचे उतर रहे हो कैंपटी फॉल के लिए, यू कैन फाइंड दिस ऑल इनक्रेडिबल आइटम्स ऑल अराउंड यू। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना गाइस, ये इतना बेटर नहीं था, ये पूरा टूटा हुआ था। माय गॉड, ये ट्रॉली की आवाज़ है, यहाँ से ट्रॉली सीधा नहीं जाती, जो कि आपको 200 रुपये कॉस्ट करेगी। और हम वाटरफॉल कुछ उस तरफ है, I'm not in mood to bath at all. एक और ट्रैक निकल रहा है वो पीछे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे। Exactly वही। So finally reaching to the Kempty waterfall. तो आप मेरे से जानना चाहोगे कि मैं रिव्यू दूंगा? तेज तेज। हाँ? तेज बोलना पड़ेगा। I mean, I knew it when I was coming. It is gonna be bad. तभी तभी हम कपड़े लेके नहीं आए हैं। That's so true. That's the honeymoon period, guys. तो गाइस आप स्विमिंग के कपड़े यहाँ पे रेंट पर हायर कर सकते हो, यहाँ लोकल फैसिलिटीज भी है और खाने पीने की तो बहुत ही सारी जगह है। वैसे भी नहाने के बाद मैगी खाने का मजा अलग ही हो जाता है। और नीचे से यहाँ से रास्ता है, हम चलते हैं वापस पैदल पैदल। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली इट वॉज सो मच रेनिंग और बाहर इतनी बारिश हो रही है, वी हैव टू टेक बैक स्टेप। हमारा प्लान ऊपर जाने का था थोड़ा सा, वी वांट टू गो जॉर्जिया एवरेस्ट पीक पॉइंट, व्हिच वी प्रोबेबली कवर टुमारो। इफ आई लेट हर स्लीप, पता लोग कितना गलत समझेंगे, लड़का मुझे सोने नहीं देता। सुबह होने न दे, हम एक दूसरे को सोने न दे। ये तू जस्टिफाई क्यों करती रहती है? इट्स ओके, लोगों को जो सोचना है सोचने दे भाई। डज इट रियली मैटर? लेट्स शो द रेन नाउ। मतलब इट्स लाइक इट्स वेरी फर्स्ट टाइम मेरा मंसूरी में ऐसे है,
वरना मैं मंसूरी ना लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही आई थी, उसके बाद मैं कभी मंसूरी नहीं आई। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम मेरा मंसूरी में ऐसा ऐसा चल रहा है। एंड मतलब मंसूरी से मतलब मंसूरी इज अ वेरी काइंड ऑफ वीकेंड लोकेशन, मतलब जिसको वीकेंड वाइब्स लेनी हो या जिसको मतलब ऐसा हो कि यार हिल्स बहुत पास होने चाहिए, चार पांच घंटे में, पांच छह घंटे में पहुंचाने चाहिए, चार घंटे में नहीं। तो दिस इज मंसूरी जहाँ पे आप पांच घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। दैट इज सो ट्रू। आई डू अंडरस्टैंड। और मगर अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम निकले थे 3 बजे, मैं 3 बजे, मैं 4 बजे। सो अनफॉर्चुनेटली हमें पैदल जाना पड़ा, जस्ट बिकॉज जो माल रोड की एंट्री है वो खुलती है रात को 10 बजे और सुबह खुलती है लाइक 4 बजे तक खुली होती है मॉर्निंग से। सो गाइस, इफ यू वांट टू ट्राई द जलेबी एंड द गुलाब जामुन मीठा, दे हैव, आपकी शॉप का नाम क्या है? उपहार। उपहार, सो ये आपको माल रोड पर मिल जाएगी एंड दे हैव द सिटिंग एरिया एज वेल। थैंक यू सो मच भैया। सो दिस इज द जलेबी हमने ऑर्डर करी। लेट्स मार्टे चल, गरम गरम जलेबी। मंसूर में तो ऐसा लगता है बादल पूरे जमीन पे आ चुके हैं, पूरी रोड पे आ चुके हैं, वही गाड़ियों की एंट्री स्टार्ट हो गई। सो हियर इज आवर फूड, वी आर हंग्री। थैंक यू भैया। एंड वी बट वी गॉट द चाउमीन, इसको लव कुछ चाउमीन खाने थे। आई रियली वांट टू हैव द फ्राइड राइस एंड दिस इज फॉर मी एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मंचूरियन। तो मुँह में पानी आ रहा है, आई एम लाइक गोना हैव फ्राइड राइस। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैंपटी फॉल गए हो। सी यू डे आफ्टर टुमारो विद अ न्यू व्लॉग एंड न्यू प्लेस फॉर श्योर, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा नहीं था बट कल बहुत कुछ है।